हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंस्टाग्राम में रील्स नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है और जब यहाँ पर मैं रील्स पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वी आर सॉरी बट समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन, ये ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर मेरा रील्स नहीं चल रहा है। वी आर सॉरी बट समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन। इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और गाइज, अगर आपने अभी तक आर ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। तो फाइनली गाइज, यहाँ पर मेरे फ़ोन का सेटिंग ओपन हो चुका है और सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा हमें सेटिंग देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है गाइज, यहाँ पर हमें स्क्रॉल डाउन करके इस तरीके से नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर नीचे आ रहा हूँ, तो इसी तरीके से आप भी यहाँ पर नीचे आइए। और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐप का, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऐप नाम से सेटिंग है, तो यहाँ पर आप भी ढूंढ लीजिए ऐप नाम से सेटिंग और उसके बाद उस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने पर ये सेटिंग ऐप नाम से सेटिंग नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर भी सर्च बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आप टाइप कर सकते हैं ऐप। ओके गाइज, इस तरीके से आप यहाँ पर भी टाइप कर सकते हैं ऐप सेटिंग, इस तरीके से आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा ऐप नाम से सेटिंग। तो अब यहाँ पर आप ऐप नाम से सेटिंग वाले ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर दीजिए। ओके गाइज, और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा फिर से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर आपको मैनेज ऐप, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको मैनेज ऐप पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप मैनेज ऐप पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर कुछ देर के लिए सर्चिंग लेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और सर्चिंग लेने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे अपडेट, अनइंस्टॉल, फाइंड ऐप, परमिशन, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा। और उसके नीचे में यहाँ पर आपके फ़ोन में जितनी सारी एप्लीकेशन होगी वो सभी ऑल टू ऑल एप्लीकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम को ढूंढ लेना। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम को फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर इंस्टाग्राम को फाइंड कर लेता हूँ, यहाँ पर ढूंढ लेता हूँ कि मेरे फ़ोन में यहाँ पर कहाँ पर इंस्टाग्राम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम आ चुका है। अगर आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने पर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर सर्च बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आप टाइप कर सकते हैं इंस्टाग्राम। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ पर इंस्टाग्राम आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पर क्लिक कर देना। ओके दोस्तों, और जैसे ही आप इंस्टाग्राम पर क्लिक करते हैं उसके बाद इंस्टाग्राम का यहाँ पर ऑल टू ऑल इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इस तरीके से आपको यहाँ पर नीचे आना है, ठीक है। इस तरीके से आप नीचे आइए और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि नोटिफिकेशन से नीचे है और बैटरी सेवर से ऊपर है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट में वाईफाई का और उसके बाद मोबाइल डाटा का। अगर आपके पास दो सिम है तो दो सिम का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपके फ़ोन में एक ही सिम है तो यहाँ पर आपके फ़ोन में एक ही सिम देखने को मिल जाएगा। तो मेरे पास दो सिम है इसीलिए यहाँ पर दो सिम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर अगर वाईफाई है तो वाईफाई पर टिक कर देना है, या फिर मोबाइल डाटा है उस सभी पर आपको इस तरीके से ब्लू टिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर तीनों पर टिक कर दिया हूँ। एंड टिक करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना। ओके गाइस, इस तरीके से आपको ओके पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको बैक करना है इस तरीके से। ओके गाइस, इस तरीके से आपको बैक करके अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ जाना है। मोबाइल के होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बार को इस तरीके से ओपन करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन बार को ओपन करना है और नोटिफिकेशन बार को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एयरप्लेन मोड है, तो यहाँ पर मैं एयरप्लेन मोड में ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर
देख सकते हैं कि मेरा फ़ोन एयरप्लेन मोड में ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर फिर से आपको ऑफ़ कर देना, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एयरप्लेन मोड में ऑन करके फिर इसे ऑफ़ कर दिया हूँ। हो सकता है कि आपके फ़ोन में फ़्लाइट मोड हो, तो आप फ़्लाइट मोड में या फिर एयरप्लेन मोड में ऑन करके फिर उसे ऑफ़ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा इंटरनेट यहाँ पर ऑन है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से इंस्टाग्राम को ओपन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस कि मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है। और इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद यहाँ पर रील्स पर क्लिक करना है। जैसे ही रील्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रील्स प्ले होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मेरा रील्स प्ले होने लगा है। इस तरीके से आप भी अपने इंस्टाग्राम में वी आर सॉरी बट समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ ट्राई अगेन इस प्रॉब्लम को आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक आरए ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो मिलते हैं नए ट्रिक के साथ। जब तक के लिए बाय।